जैसे पति और पत्नी में झगड़ा हो रहा है। क्या बोला तूने? भाई साहब हमारे यहाँ एक दिन आया सवेरे सवेरे 7 बजे का टाइम था, रात में मैडम से खटपट बोल था। आए तो भाई बोले इनको कि अरे जल्दी से नहीं चाय पानी व्यवस्था करो भाई, आरिफ भाई आए हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना। हाँ। मैडम हनहना के निकली, उन्हें से कह रही है से कान खोल के सुन लो, घर से खाना बनाती हूँ, घर से गमला में पानी डालती हूँ, घर से घर की सफाई करती हूँ, अंगा से अंगना भी बहारती हूँ। रुको जरा, सबर करो। तो हमारा पावर बढ़ गया, हम भी कहा कि छह से चुप रहो, छह से छमको मत। जैसे जब भी चाय बनाने के लिए कहता हूँ झट से झगड़ा करने लगती है, यहाँ से यहाँ तेरी मनमानी नहीं चलेगी। तो मेरी पत्नी की बारी आई तो कह रहे टॉ से टराओ मत, ठा से ठुमको मत, ड से डांटोगे तो अच्छा नहीं होगा, ढ से ढोल की तरह पीटते रहते हो दिन भर, न से ज्यादा करोगे तो नहिरा चली जाऊंगी। तो हमारा और थोड़ा सा पावर बढ़ा, बढ़ा। तो से तभी से बोलती जा रही है, था से थिरक रही है, द से देख लेना, ध से धक्का दे दूंगा कि न से नाली में गिर नाली में गिर। तो उसकी बारी आई तो कह रही प से पहले कह देती हूँ, फ से फिर मत करना, ब से बहुत हो चुका बकवास, भ से भौंकते रहते हो दिन भर, म से मूर्ख कहीं के। तो मेरी बारी आई तो कह रही से यहाँ मेरा ही राज चलेगा, र से रोगी, ल से लड़ाकिन कहीं के, ब से विवाह तुमसे करके, स से सिर पिट रहा। तब उनकी बारी आई तो करे हो से हमें का समझ रखा है, छ से छुद्दर कहीं के, त्र से त्राही त्राही मचा दूंगी, ज्ञा से ज्ञानी बनो कि आजकल के पतियों को पत्नी व्रता होनी चाहिए। वाह वाह।